अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां फरियादी को ही आरोपी बना दिया गया, जिसके विरुद्ध में संगठन के लोगों ने ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि अंकित गुप्ता पिता जानकी प्रसाद गुप्ता उधना 310 का निवासी है। 20 सितंबर की रात में अपने मित्र अमित पटेल के साथ उनकी बाइक से पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप गया था। उसके पहुंचते ही पहले से वहां उपस्थित आदतन अपराधी सुधीर तिवारी उर्फ सीबू पिता राम नारायण तिवारी निवासी मणि खुर्द नशे की हालत में अपनी बुलेरो गाड़ी के साथ यहां मौजूद था। उफको के पहुंचते ही सुधीर तिवारी द्वारा अनावश्यक रूप से मेरे साथ गाली गलौज करने लगा एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके विरोध करने पर अपनी बुलेरो से धारदार हथियार निकालकर सिर पर वार किया, जिससे युवक किसी तरह बच निकला। पीड़ित जब थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया तो उन्हीं के ऊपर उल्टा मामला दर्ज करा दिया। आइए सुनते हैं पीड़ित और ज्ञापन देने वालों ने क्या कहा है। गुप्ता नाम है मेरा। क्या घटना हुई थी? मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ पे सुधीर नामक युवक था। वहीं पे कहाँ पे था मेरे को आइडिया नहीं, मैं वहाँ पे खड़ा था, एक अंकल थे उनसे मैं बातचीत हो रही थी मेरी, तो वो आया पता नहीं कहाँ से, वो मेरे को डायरेक्टली मारा है ना। और इसके बाद वो धारदार चाकू उससे भी हमला किया मेरे पे। इसकी शिकायत कहाँ की है? उसकी शिकायत गंगे चौकी में किया गया, FIR हुई है। और इसके बाद जब ये सब होने के बावजूद उसने ब्लोरो अपनी गाड़ी ब्लोरो लेके उसने पूरा मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा है। एसपी साहब से मुलाकात हुई है? हाँ जी। क्या बोला? उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि इसमें SDOP साहब को जांच के लिए भेजेंगे। गंगेओ क्षेत्र में 20/9/2022 को अंकित गुप्ता के साथ पेट्रोल टंकी में सुधीर तिवारी के साथ उनकी पूरी टीम ने इनके साथ मारपीट की और लूटपाट किया, और लगातार वो चार घटनाएं उस दिन किए हुए हैं। और ये लोगों ने फरियादी वहाँ पर FIR तो हो गई है, FIR होने के बाद इनके बाद भी झूठों पर FIR कर दिया गया है। वही हम लोग SP साहब से मिलकर निवेदन किए हैं कि अंकित गुप्ता जो फरियादी है उनके ऊपर झूठा मुकदमा न लगाया जाए, इसको जांच करा के अपराधी जो लगातार उस गंगे के क्षेत्र में ये लोग जिन व्यक्ति के सुधीर तिवारी इन लोगों के ऊपर लगातार कई घटनाएं करने का आरोप है, इनको गिरफ्तार किया जाए और सही सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि वहाँ के व्यापारी वहाँ के लोग जनमानस सुरक्षित रह सकें। कौन से थाने का मामला है ये? गंगेव थाना है, चौकी गंगेव है, थाना मनगमा है। उन्होंने SDOP साहब को जांच के लिए आवेदन दिया है, मतलब फॉरवर्ड किया है कि हम इसको SDOP साहब से जांच करा लेते हैं। हम लोग से ही मांगते हैं कि सही जांच हो और अपराधी के ऊपर लगातार रीवा में व्यापारियों के साथ या आम जनमानस के साथ घटना हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं अपराधी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और हम सामाजिक के सब साथी चाहते हैं कि यहाँ पे हम प्रशासन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसा भी हम लोग सामाजिक लोगों से सहयोग चाहें, सहयोग देने के पूर्वक हम लोग हमेशा से तैयार रहते हैं, और ऐसे अपराधी को जेल के पीछे होना चाहिए।